पिछले दिनों कुत्तों के काटने की घटनाएं काफ़ी बढ़ी हैं। हाल ही में गाज़ियाबाद में तो एक बच्चे की मौत भी हो गई। दरअसल 14 साल के इस बच्चे को करीब 1.5 महीने पहले कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन डर के मारे उसने अपने घर वालों को नहीं बताया और करीब 1.5 महीने बाद रैबीज से उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। कुत्ते काटने के ऐसे तमाम केस देश से लेकर विदेश तक सामने आए हैं। ऐसे में इन मामलों को लेकर हमारे देश में तो नहीं बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक सख्त कदम उठाया है और उन्होंने वहां पर बेहद ही खतरनाक प्रवृत्ति के एक अमेरिकी नस्ल के कुत्ते को बैन कर दिया है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बताया कि अमेरिकन एक्सेल बुली डॉग पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं के बाद ये फैसला लिया गया है। अमेरिकन एक्सेल बुली डॉग की गिनती खूंखार कुत्तों में होती है। माना जाता है कि इन्हें थोड़ी देर में ही गुस्सा आ जाता है। इनमें इतनी ताकत होती है कि अगर ये किसी को काट लें तो उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। यूके में 8 से 10 साल पहले ही कुत्तों की ये नस्ल आई थी। कोविड महामारी के दौरान इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। हालांकि यूके कैनल क्लब में इसको रजिस्टर नहीं किया गया है। इसके साथ ही अमेरिका में भी इसकी मान्यता नहीं है। अमेरिकन बुली डॉग्स दूसरे कुत्तों को देखकर आक्रामक हो सकते हैं। ये दूसरों को देखकर भी भड़क सकते हैं, जिससे स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये ताकत वाले मांसल कुत्ते होते हैं, इसलिए इन्हें संभाल पाना बेहद ही खतरनाक होता है। इस नस्ल के कुत्तों के साथ एक दिक्कत ये भी है कि ये बड़े जिद्दी होते हैं। अगर इन्होंने एक बार कुछ करने की ठान ली तो फिर उसे करके ही रहते हैं। फिर ये अपने मालिक की भी नहीं सुनते। अमेरिकन बुली डॉग्स 4 तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड, पॉकेट, एक्सेल और क्लासिक। स्टैंडर्ड मीडियम साइज के होते हैं, जिनकी ऊंचाई 16 से 20 इंच होती है। पॉकेट सबसे छोटा साइज होता है और ये सिर्फ 13 से 16 इंच ही ऊंचे होते हैं। एक्सेल साइज के कुत्तों की हाइट 19 से 23 इंच की होती है, जबकि क्लासिक कुत्तों का साइज भी एक्सेल के बराबर ही होता है। आमतौर पर अमेरिकन बुली और पिटबुल डॉग्स को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिकन बुली डॉग्स क्रॉस ब्रीडिंग का नतीजा है। बताया जाता है कि कम से कम 5 अलग अलग नस्ल के कुत्तों की क्रॉस ब्रीडिंग के बाद अमेरिकन बुली डॉग्स की उत्पत्ति हुई है। अमेरिकन पिटबुल टेरियर इन डॉग्स की पेरेंट ब्रीड है। 1980 के दशक में इनकी उत्पत्ति हुई, लेकिन इसे और ज्यादा मांसल कुत्ता बनाने के लिए दूसरे नस्ल के कुत्तों से ब्रीडिंग करवाई गई। अमेरिकन बुली डॉग को शिकारी कुत्तों के तौर पर इस्तेमाल के लिए पैदा किया गया था। ब्रीडर्स मानते हैं कि इस नस्ल के कुत्ते जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन इनका गुस्सा बहुत ही खतरनाक होता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग इन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन अगर इन्हें सही से पाला जाए और सिखाया जाए तो ये बेहद अच्छे कुत्ते भी साबित होते हैं। लंदन स्थित बुली वॉच ग्रुप का दावा है कि साल 2021 से 2023 के बीच अमेरिकन बुली डॉग के हमलों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि यूके में प्रतिबंधित होने वाली अमेरिकन बुली डॉग 5वीं नस्ल है। इससे पहले यूके में पिटबुल टेरियर, जापानी टोसा, डोगो अर्जेंटिनो और फिला ब्रासिलियो पर बैन लग चुका है। सिर्फ यूके ही नहीं बल्कि आयरलैंड ने भी इस नस्ल के कुत्तों को बैन डॉग की कैटेगरी में डाला है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से इन कुत्तों को बाहर घुमाता है तो उस समय उसके मुंह पर मास्क लगा होना जरूरी है। साथ ही टर्की, संयुक्त अरब अमीरात ने भी इन कुत्तों की खरीद, बिक्री और पालने पर रोक लगा रखी है, जबकि भारत में अमेरिकन बुली डॉग्स पर बैन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।